घोड़े ही ज्यादा चलते हैं, इसका ज्यादा काम भी है इससे करवाते होंगे, और इधर तो इसकी सवारी भी। अच्छा यस, टनल बनाई हुई है। इसको देख के वो देखो, हाँ, पास आके कितना बड़ा है ये। क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये देखो, अच्छा ये कोयला इसमें डालते हैं, इससे इससे बनती है। यार वैसे अस्सलाम वालेकुम, मैं यान और मैं तेरा साकड़, मैं अपने नाना बुखी जान हूँ। तो आज हम आए हैं ईंटों के पट्ठे पे, ये देखें। तो आज हम जानेंगे कि ईंटें कैसे बनती हैं, ये देखें ईंटें, ईंटें कैसे बनती हैं और जिससे हमारे बनते हैं घर। तो आज हम ये जानेंगे, ये देखें कितनी ज़्यादा ईंटें हैं गाइस, इससे ईंटें बनती हैं, ये देखें कितना चमकीला है। कैसे ईंटें बन सकती हैं वैसे? वो उन्होंने बताया मामा, ये देखना, ये देखना, इससे बनती हैं ईंटें, कितना बड़ा। यार वैसे मामा कितना ये कोला तो नहीं, पत्थर पत्थर लग रहा है, कोला टाइप। कहते हैं इससे ईंटें बनती हैं, पूछते हैं ये ऊपर चढ़ते हैं और वो आप पट्ठा चल रहा है ऊपर, थोड़ा थोड़ा धुआं निकल ही रहा है। तो अब हम जानेंगे कि कैसे ईंटें बनती हैं और उससे हमारे घर कैसे बनते हैं। मामू हैं वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो इधर से, इधर आ जाओ, ये देखिए। अच्छा ये कोयला इसमें डालते हैं, इससे ईंटें नहीं बनती, इससे ईंटें बनती, इससे ही बनती हैं, इससे तो पकती हैं, ईंटें मिट्टी से बनती हैं। वो उधर भी आ जाने डालो, पहले हम कोला डालते दिखाओ। अब ये देखें इतने ज्यादा इन्होंने ये ढक्कन से बनाया, इसके अंदर डालते हैं कोला। वो देखो वो भी चल रहे वो देखो यान। ये क्या चीज है? ये आग है। नहीं नहीं, ये जो आपने डाला है ये कोला डाला है। कोला ये? हाँ ये कोला। ये कैसे आगे लगाई है इतने? पानी में दरिया चलता है, ये सब यहाँ पे चलता है। अच्छा ये सारे यहाँ तो आप अच्छा आग इसके अंदर यान होती है, हम लोग कहते हैं उसमें आग होती है, उधर से धुआं निकलता है। अच्छा इसके अंदर ये जो ये निकल रहा धुआं, ये इसके अंदर होती है सारी आग, इधर बहुत ज्यादा सेक मुझे पा रहा है, धुआं जाके उधर निकलता है। और ये कोले है, इसको अंदर डालते हैं तो आपने अंदर आग को तो आग का प्रेशर देखे कैसा है, और इसके अंदर से आग जाके यहाँ जाती है पट्ठे पे, तो वो देखें ऊपर से वो धुआं निकलता है। यान के देखो ये हमारे पांव के नीचे जो जमीन है ना, इसके नीचे बेसमेंट है, उसके नीचे ईंटें कच्ची लगाई हुई हैं, वो हीट के साथ वो ईंटें पकती हैं और फिर वो उस साइड जाती हैं, वो उधर से ये पाइप है, ये देखे टनल बनाई हुई है। वो देखो पास आके कितना बड़ा है ये खुद भी ईंटों का ही है। लगा लो इसको, हीट अप तो नहीं मुझे लग रहा ये होना, इसमें धुआं होएगा। हाँ क्या है, गर्म तो नहीं है ना? और अनाया को बहुत गर्मी लग रही है, अनाया दिखाओ इधर। मामा आगे कोई टूवल होना है, ये देखे कितना बड़ा है ये सारा, सारे इधर वर्कर और वो देखे उधर, इन्होंने वो भी वो जो सोलर सिस्टम भी सारा लगाया है, ये सिर्फ हमारे मामू के लिए इधर पड़ती है। ये देखें ये सारी ईंटें हैं इधर इतनी ज्यादा, तो जिधर हम चल रहे हैं यार, जिधर हम चल रहे हैं इसके नीचे सारी ईंटें हैं, तो हीट अप हो भी रहा है। मामू से बातें करो ना दो। ये देखें पूछो, कच्ची कच्ची ईंटें लगा रहे हैं, ये कच्ची है नीचे कच्ची ईंटें। अच्छा अच्छा, ये इसके ऊपर भी मिट्टी डाल दोगे? ऊपर मिट्टी जैसे ये है ऐसे है, यहाँ नीचे मिट्टी ईंटें लगाई है, जिथे ईटा आया नी इस दे सुराख ने कोला पाने वाले। अच्छा सुराख ने कोला पाने वाले ईंटें हैं। हाँ मामू से पूछो, मामू से बातें करते हो, उस रूम में चली जाओ। आप इधर कब से काम कर रहे हैं? मुझे 2 माह हो गए। अच्छा एक्सपीरियंस कितनी देर का? एक्सपीरियंस कब? 2 साल का। 2 साल का एक्सपीरियंस है, जब सऊदी अरब छोड़ा दुबई। ये देखिए बहुत बड़ा है ये भी सुराख, इसको बेसमेंट है जिससे मेरे पांव सड़ रहे हैं। इसके नीचे आपको बताया उधर कैसे, उधर लावा जैसा हो रहा था तो बहुत ज्यादा उधर गर्मी थी, यार मेरी शूज से निकल रही हैं अब जो पक गई हैं। आगे वाले ना वो आदमी निकालता है, वो आदमी निकालता है।
नहीं नहीं लकोला नहीं ना बनता सोलर सिस्टम है सीधा उधर धूप आ रही है और उधर से सिस्टम बीच सात आ रहा है किधर उधर है आप चैनल को जाकर कर दे सब्सक्राइब लाइक बेल घुमाना मत भूलिए और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कच्ची ईंटें कैसे बनती हैं। थोड़ा ऊपर थोड़ा मामा कह रही है। चलिए अब चलते हैं। मैं जाता हूँ पहले यहाँ साइड हो मैं तुम्हारे एडजस्ट करना तुम साइड हो साइड तो मैं गिर जाए ऐसे साइड हो ना क्या छोड़ो तो तुम गिरा तो मुझे तुम नहाते हमें जाते ये नजर आया ये लाइन ये देखें ये इतने ज्यादा यार कोले हैं ये ना एक वट्टे की तरह ही कोले हैं ये कोले कोले नहीं लग रहे जैसे जैसे कोले होते हैं कोले है तो कोले लेकिन लगते नहीं ये कोले ना ये अलग तरीके हमारे से अलग तरीके के ये कोले चमक चमक वाले चमक चमक ये है अभी थोड़े पत्थर भारी टाइप हमारे तो बहुत से हल्के से हैं वो देखे वहाँ कच्ची ईंटें बन रही है मामा वहाँ बन रही है वहाँ बन रही है वो देखे वो देखे जिधर मैं लेके जा रही थी ना उधर ही था नहीं ये है ये है रहे हैं। चलो उनके पास चलते हैं। ये देखें ये कच्ची ये सारी कच्ची ईंटें हैं ये देखें वो जो मैंने आपको आग दिखाई थी से ये पक्की होती हैं और इनका सारा धुआं वहां जाता है वहां वो पट्टा जो है उधर बस धुआं उधर से निकलता है तो बाकी सारा उसके नीचे हैंडल होता है अब हम थोड़ा सा आगे आए तो हमें एक नजर आ गया घोड़ा जो कि इधर घोड़े ही ज्यादा चलते हैं इसका ज्यादातर काम भी है इससे करवाते होंगे और इधर तो इसकी सवारी भी हो जाती है तो आगे एक ट्यूबवेल भी है जी तरह हमें लग रही थी बहुत ज्यादा गर्मी तो हाथ पानी भी पी लेंगे हाँ मुंह हाथ भी हम धो लेंगे तो साथ पानी भी पी लेंगे ये देखें सोलर इन्होंने लगाया हुआ है क्या धूप इधर सीधी पड़े ये ट्यूबवेल शायद सोलर से चलता होने और इसके साथ साथ इधर पंखे ये रहते भी ज्यादा इधर है ना तो इसलिए वो देखें ये ट्यूबवेल है इधर बंदे ने हाथ मिले हैं ये देखें अब हम इधर से वो देखें एक वो भी घोड़ा है वो भी शायद नहा रहा है तो कितना बड़ा ट्यूबवेल है तो ये इधर ही रहते हैं आपको मैंने सारी ईंटों को बताया ये रहते भी इधर ही हैं सारा खाते खुते भी इधर ही हैं ये देखें इनका तंदूर इन्होंने इधर ही तंदूर बनाया हुआ है ये इधर ही खाते हैं और जो इधर रहते हैं जिनका पास घर है वो चले जाते हैं और जो कि इधर रहते हैं वो देखें इनका ये रहने का इधर पंखा भी लगा हुआ है इधर ये रहते हैं और हम तो इन्होंने तंदूर बनाया हम तो आराम से घर में बनाते हैं रोटियाँ लेकिन वो होता किससे ईंटों से तो ये सारा कुछ ये हमें बनाते हैं ये सारा बस ये समझ लें धूप ये इसका असल काम नहीं ये इसने बस धुआं निकालना है तो बाकी असल काम जो आपको दुकान उतार के दिखाया था उसका असल काम है तो बाकी जिसको आज की वीडियो पसंद आई चैनल को जाकर कर दे सब्सक्राइब लाइक बेल वाला मत भूलिए बाय बाय।